नारक में ही एक ऐसा भव है कि नारक भव देवों से भी आगे बढ़ करके हो जाता। देव दो ही गति में जा सकते, देव देव नहीं हो सकते और नारके भी नहीं हो सकते, और वो त्रियंश भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, किंतु वैसे ही मनुष्य भी हो सकता है, लेकिन देव एकेंद्री भी हो सकता है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब देवों में कषाय की मंदता होते हुए भी 12वें स्वर्ग से आने वाले तक त्रियंश पशु बन सकते हैं, और सौधर्म और ऐशान स्वर्गगत देवी देवताएँ एकेंद्री भी बन सकते हैं। सोचो, विचार करो, कहाँ पर गणित गड़बड़ी हो रही है, गणित में हिसाब किताब में कहाँ क्या हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं ये विषयों का परिणाम है जो हम नहीं समझ पाते, और वहाँ पर भी बंद कर लेते हैं। नारके सूक्ष्म नहीं होंगे, नारकी एकेंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक भी नहीं होंगे, किंतु गर्भज ही होंगे, और एक प्रकार से गर्भज होकर के भी संगी पंचेंद्री ही होंगे। यानी सारे के सारे 84 लाख योनि स्थान को समाप्त करके एकमात्र गर्भज ही होंगे। गर्भज होने के लिए एक प्रकार से बहुत पुण्य की आवश्यकता है। ऐसा कौन सा वह पुण्य कर रहा है? वह यही कर रहा है कि यहाँ से मैं निकल जाऊँगा तो दोबारा आने की बात ही नहीं करूँगा। यह पश्चात आपकी अग्नि में वो झुलसता रहता है, फलस्वरूप सूक्ष्म भी नहीं होता, बादल ही होता, किंतु अपर्याप्त भी वह नहीं होता, और वह अपर्याप्त नहीं होते हुए भी पर्याप्त होते हुए भी वहाँ भी अकाल मरण नहीं होता, किंतु यहाँ होने के उपरांत अकाल मरण हो सकता है।